हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा और पिछली वीडियो में हमने देखा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरह से होती है और उसे किस तरह से सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे में हम अपनी लाइफ में कर पाएं। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या क्या फायदे होते हैं, यानी हमें उसे क्यों करना चाहिए और साथ साथ किन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। जब हम फास्टिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो हमारी बॉडी है अपनी स्टोर्ड ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है, तो जब ये स्टोर्ड ग्लूकोज भी खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो है फैट यूटिलाइज होने लगता है। तो मैक्सिमम क्या होता है कि 8 घंटे तक जो भी है ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है, उसके बाद क्या होता है फैट टूटने लगता है, उससे हमारा वेट लॉस होता है। और सबसे ज्यादा जो मैंने आपको पहले बताया कि जो बेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो रेशियो है वो होता है 8:16, वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि जब आप 16 आवर्स की फास्टिंग करते हो तो उससे क्या होता है कि एक ऑटोफेजी प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। ये ऑटोफेजी प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये ऑटोफेजी प्रोसेस क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसफंक्शनल सेल्स होते हैं, यानी कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते या एबनॉर्मली काम कर रहे होते हैं, या बहुत सारे ओल्ड सेल्स होते हैं जो बहुत पुराने हो चुके होते हैं और अब ठीक से काम नहीं कर रहे। तो ऑटोफेजी प्रोसेस ऐसा होता है कि वो इन सारे सेल्स के प्रोटीन्स को यूटिलाइज करता है और अपने ही किसी फंक्शन में यूज कर लेता है। तो इससे क्या होता है हमारी बॉडी टॉक्सिन क्लियर होती रहती है। जैसे हम कैंसर को ही ले लें, कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसमें सेल जो है अबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं और उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो कैंसर सेल जो है सभी की बॉडी में होते हैं, थोड़े थोड़े कैंसर सेल सभी की बॉडी में होते हैं। और प्रॉब्लम तब आती है जब ये इतने ज्यादा मल्टीप्लाई होने लगते हैं कि इन पे काबू पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो ऑटोफेजी प्रोसेस है, जब इसके अंदर जो है अबनॉर्मेलिटी आती है, यानी कि ऑटोफेजी प्रोसेस रुक जाता है, तो ये जो सेल्स है इतने ज्यादा मल्टीप्लाई होने लगते हैं, इतने ज्यादा डिवाइड होने लगते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ऑटोफेजी प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। आजकल हमारा कल्चर कुछ ऐसा बन गया है कि हम खाना तब तक खाते रहते हैं जब तक हमारा मन नहीं भर जाता, पर एक्चुअल में ये जो चीज है ये बहुत गलत है। हमें खाना जो है अपने पेट के हिसाब से खाना चाहिए, यानी जितनी एक्चुअल में हमारी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना चाहिए। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना हम एनर्जी अपना स्पेंड करते हैं किसी भी काम करने के लिए, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं या हम ब्रेन का कोई काम कर रहे हैं, तो हर चीज के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो जितनी भी हमारी एनर्जी लगी और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें भूख लगती है और हम खाना खाते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, हम जितना खाना खाना होता है उससे हम ज्यादा ही खा लेते हैं। इससे क्या होता है कि जितनी एनर्जी हमें यूटिलाइज करनी थी हमारी बॉडी को उतनी तो हमने कर ली, और जो बाकी की एनर्जी बची अब वो क्या होती है, वो फैट में स्टोर होने लगती है। आजकल हम एक्सरसाइज पे स्ट्रेस करते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे या जिम जाएंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जिम भी हमारे लिए फायदेमंद है, एक्सरसाइज भी फायदेमंद है, लेकिन जरूरी यह है कि हम फास्टिंग पे ध्यान दें या हम ओवर ईटिंग को कंट्रोल करें। जितना फायदा हमें अपनी डाइट कंट्रोल करने से मिलेगा उतना फायदा हमें एक्सरसाइज या जिम से नहीं मिल पाएगा। लगभग 80% से ज्यादा जो है हमें अपने फूड पे ध्यान देना चाहिए। 80-90% जो है वो हमें न्यूट्रिशन से, हमारे फूड प्रॉपर जो हम फूड लेते हैं उससे फायदा होता है, और बाकी जो हमारी फिजिकल 10-15% जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उससे हमें बेनिफिट होता है। तो जो मेजर जो पोर्शन है वो हमारा न्यूट्रिशन का होता है। तो हम ऑटोफेजी के बारे में बात कर रहे थे, तो ऑटोफेजी ये जो सारी चीजें हैं इसको डेवलप करता है। अगर हम रेगुलरली फैट जो है डिपॉजिट करते जाएंगे और उतनी एनर्जी यूटिलाइज नहीं करेंगे तो होगा क्या कि जो जितना भी टॉक्सिन्स है वो क्लियर ही नहीं हो पाएगा हमारी बॉडी में, और इससे जो है ऑटोफेजी प्रोसेस में रुकावट आती है और वो कभी भी एबनॉर्मल होके या ऑटोफेजी कभी भी रुक सकता है। तो इससे क्या होता है एबनॉर्मल सेल्स डेवलप होने लगते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें फास्टिंग करनी चाहिए, और जो लोग बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं फास्टिंग तो उन्हें धीरे धीरे ग्रेजुअली इस पे जाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले 12 घंटे फास्टिंग कर लें और लंबे टाइम तक उसे करें, जब वो उसमें पूरे कंफर्टेबल हो जाए, उसमें पूरे स्टेबल हो जाए, तो वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके क्या होता है कि वो अपना ओल्ड फैट भी डिजोल्व करने लगते हैं, और जितनी भी बॉडी में पुराना फैट जो जमा हो चुका है वो भी धीरे धीरे डिजोल्व होने लगता है। फास्टिंग के अगर देखें तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। इससे हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन है वो 5 गुना बढ़ जाता है, और इससे हमारा इंसुलिन लेवल है वो भी कम आ जाता है, और इससे हमारी ब्रेन में जो एक BDNF फैक्टर होता है, ये जो फैक्टर होता है इससे हमारे ब्रेन में न्यू सेल्स, न्यू नर्व सेल्स जनरेट होते हैं। और इससे क्या होता है कि बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज हो गई या अल्जाइमर डिजीज हो गई, इन डिजीज का जो डेंजर है वो भी टल जाता है। इसके साथ साथ ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। इससे जो है BP कंट्रोल होता है,
जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है और हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाता है। और इसके साथ साथ इसे टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क भी कम हो जाता है। और इसके साथ साथ आप यंग रहते हैं, आपकी जो उम्र है वो भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ आपकी जीन्स में ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू योर लॉन्गेविटी एंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो भी इससे दूर होती है, जो विसरल फैट होता है। हमारी बॉडी के जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर भी टाइम कई लोगों में फैट डिपॉजिट हो जाता है और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से वो फैट है वो डिजोल्व होने लगता है। और ये जो विसरल फैट है ये बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, बहुत सारी डिजीज कॉज कर सकता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं हमारी बॉडी पे, लेकिन कुछ लोगों को इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखें तो बच्चों को इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग किसी भी टाइप की नहीं करनी चाहिए। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना चाहिए या फीडिंग वुमेन्स को इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और साथ साथ जो लोग जो है भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते उन लोगों को फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन जो लोग फिर भी फास्टिंग करना चाहते हैं, जैसे कि जिनको डायबिटीज है या जिनको कोई जो कोई मेडिकेशन पे है या जो लोग अंडरवेट हैं या जो वुमेन्स कंसीव करना चाहती हैं या जिन्हें अमेनोरिया के प्रॉब्लम है, वो लोग जो है पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उसके बाद एक फास्टिंग शुरू कर सकते हैं। हम सभी की बॉडी जो है अलग अलग तरह की होती है और एक तरह की डाइट सभी पे फिट हो ये जरूरी नहीं है। तो ये चीज जो है इंडिविजुअली हर एक को एनालाइज करना होगा और समझना होगा कि आपके लिए मोस्ट सूटेबल चीज कौन सी है। जरूरी नहीं है कि किसी एक को वो बहुत फायदा कर रही है और दूसरे को भी फायदा करे, हो सकता है कि वो अलग तरीके से किसी को फायदा करे। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और इसी तरह एक फास्टिंग का जो लेवल है वो हर एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कितना कितना आवर्स फास्टिंग कर सकता है और उसे कितना कितना धीरे धीरे किस लेवल तक बढ़ा सकता है, कहाँ तक बढ़ा सकता है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो लोग फास्टिंग वाकई में करना चाहते थे उन लोगों को इससे बहुत फायदा मिला है। अगर आपको एक हफ्ते में बहुत ही हैप्पीनेस फील हो या आपकी बॉडी लाइट फील करे तो इसका मतलब कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड बाय बाय।